डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर उत्तर प्रदेश के चर्चित पुलिस ऑफिसर फिलहाल शामली में तैनात हैं। डीएसपी ने अपने पति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कैसी धोखाधड़ी, पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर की शादी हुई थी। श्रेष्ठा ने रोहित राज नाम की 2008 बैच के एक आईआरएस अफसर से शादी की थी। बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि रोहित की पहचान फर्जी है। आरोप ये भी लगा कि रोहित उनके नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं। शादी के 2 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। आरोप के अनुसार इसके बाद भी रोहित डीएसपी के नाम पर ठगी करते रहे। आरोप लगा कि रोहित राज डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर की तैनाती वाले जिलों में जाकर उनके नाम पर ठगी करने लगे। डीएसपी के अनुसार लोगों से शिकायतें मिलने लगी, जिसके बाद महिला अधिकारी ने रोहित के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जांच चल रही है। अभी तक की जांच में पैसों की धोखाधड़ी की बात सामने आई है। आरोप ये भी कि रोहित ने डीएसपी से भी लाखों रुपयों की ठगी की है। आखिर रोहित अपनी पहचान बदलकर शादी करने में सफल कैसे हुआ? दरअसल साल 2008 में सच में रोहित राज नाम के एक व्यक्ति का चयन आईआरएस के लिए हुआ था। ये बात भी सच थी कि रांची में उसकी तैनाती बतौर डिप्टी कमिश्नर हुई, लेकिन जिस रोहित से डीएसपी की शादी हुई थी ये वो वाला रोहित नहीं था। यानी वो रोहित जिससे डीएसपी की शादी हुई वो एक अलग व्यक्ति था, और जिस रोहित का आईआरएस के लिए चयन हुआ वो एक अलग व्यक्ति था। दोनों में बस नाम की समानता थी, इस कारण से सारा उलटफेर हो गया। डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर के बारे में भी आपको बता देते हैं। श्रेष्ठा ठाकुर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने 2012 में UPSC की परीक्षा पास की। बकौल श्रेष्ठा कानपुर में पढ़ाई करने के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने पुलिस अफसर बनने की ठान ली। उन्होंने बताया कि उस समय कुछ बदमाश लड़कियों को तंग कर रहे थे। श्रेष्ठा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद उन्होंने ठान लिया वो खुद पुलिस अफसर बनेंगी। UPSC पास करने के बाद श्रेष्ठा ठाकुर DSP बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के चर्चित पुलिस अफसरों में उनकी गिनती होने लगी। साल 2017 में वो बुलंदशहर जिले में सर्कल ऑफिसर के पद पर तैनात थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन्होंने एक भाजपा कार्यकर्ता का चालान काट दिया था। इस पर इतनी बहस हुई कि उन्होंने 5 भाजपा कार्यकर्ताओं को हवालात तक पहुंचा दिया। बात यहीं पर नहीं रुकी, इसके बाद उनका ट्रांसफर नेपाल बॉर्डर के पास बहराइच जिले में कर दिया गया। इस पर श्रेष्ठा ठाकुर ने एक फेसबुक पोस्ट भी लिखा था जिसकी खूब चर्चा हुई थी। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी रवि सुमन। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, देखते रहिए लल्लन टॉप UP। शुक्रिया। शुरू हो गया है यूट्यूब पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।